प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में मरीज मिले हैं, इसमें कई मरीजों की जान भी चली गई है। रायपुर में भी इसके मरीज कई अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। बदलते मौसम के साथ प्रदेश में बीमारियां भी बढ़ते जा रही है। उन बीमारियों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी स्वाइन फ्लू की देखी जा रही है। शहर में स्वाइन फ्लू के कुछ केसेस निकले भी हैं। स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए शहर में जगह जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और पैम्पलेट्स भी बांटे गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस बीमारी के जांच के लिए शिविर भी लगाए गए हैं। CMHO डॉक्टर के एस आंडले ने बताया कि विभाग द्वारा लोगों में इस बीमारी की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास लगातार चालू है। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को इस बीमारी की जांच के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। देखिए, अभी क्या है कि कुछ केसेस निकल तो रहे हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए। इसके लिए हमने रायपुर शहर में कई जगह होर्डिंग्स भी लगाए हैं, खास करके रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भी कलेक्ट्रेट है जहाँ भीड़ भाड़ जगह है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर पोस्टर पॉम्पलेट्स भी बांटे हैं। और कुछ बीच बीच में हम लोग और अन्य माध्यमों से IC करते हैं। और इसी सिलसिले में अभी कलेक्टर महोदय के निर्देश पे भी प्रतिमाह हम लोग शहरी क्षेत्र में 20 स्वास्थ्य शिविर भी लगा रहे हैं। आम लोगों से यही अपील करेंगे कि भीड़भाड़ एरिया में जब जाते हैं तो भीड़भाड़ क्षेत्रों से बचें, मुंह में मास्क लगा कर रखें या कपड़े से मुंह को बंद करके रखें। और ख़ास करके जब आप कहीं आउट ऑफ छत्तीसगढ़ जाते हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी सावधानी रखें, ताकि आने के बाद आप वहाँ से इस टाइप की पीड़ा से न गुजर सकें। हमारे संवाददाता ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जब सरकारी और निजी अस्पताल के रिपोर्ट और तरीकों में अंतर के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी एक्सपर्ट्स ही दे पाएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से इस बीमारी से बचने के उपाय करने की अपील की है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक सांस की रोग है, जो कि सामान्य रूप से केवल सुअरों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 सेंट्रेस के कारण होता है। इस बीमारी से बचने के लिए हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर जानबूझ के कोई नहीं करता है, फिर भी अब उसके बारे में एक्सपर्ट ही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तेजी से फैल रही स्वाइन फ्लू के लिए स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्क हो गया है। सभी सामुदायिक केंद्रों में भी इससे संबंधित दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई है, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अब देखना होगा कि विभाग इसे मिटाने में कितना सफल हो पाता है। डिश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। This TV, we report, you decide.